जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, सिडनास के गाने ने वाकई में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सभी लोग खुश नज़र आ रहे हैं जो शहनाज और सिद्धार्थ को एक साथ पसंद करते हैं। 15 मिलियन से ज़्यादा व्यू हो चुके हैं 24 घंटे से कम समय में। वहीं आपको बता दें, सिडनास के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। जी हाँ, आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ भुला दूंगा बाय दर्शन रावल, इन दोनों कपल्स को एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है। आपको बता दें, अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने किए हैं वो सुपर डुपर हिट गए हैं। चाहे उसमें से कोई मिर्ची अवार्ड फंक्शन हो, बिग बॉस हो, या फिर भुला दूंगा सॉन्ग हो, अब एक और प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है सिडनास की जोड़ी को, यानी कि शहनाज गिल को और सिद्धार्थ शुक्ला को। जी हाँ, जल्द ही एक नए गाने में दिखाई देंगे आपको ये दोनों कपल। मेरी रिपोर्ट्स की माने तो मशहूर सिंगर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक के भाई अबू मलिक एक जल्द ही गाना लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने इन दोनों कपल्स को लेने का फैसला किया है। आपको बता दें, हाल फिलहाल बहुत ही जल्द इस गाने की शूटिंग शुरू होने वाली है और उसके बाद आपको एक ब्रांड न्यू सॉन्ग सुनने को मिलेगा सिडनास का। गौरतलब है कि पिछले दिनों जितने भी गाने आए हैं बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के, चाहे वो आसिम और हिमांशी का रहा हो, या फिर रहा हो आसिम या जैकलिन फर्नांडिस का, या फिर पारस या माहिरा का बारिश रहा हो, उन सब में सबसे बेहतरीन गाना माना जा रहा है भुला दूंगा को। सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो ये बताई जा रही है कि इनकी एक्टिंग एक्टिंग है, ओवर एक्टिंग नहीं है। वहीं लोग कंपेयर कर रहे हैं हिमांशी से शहनाज का, हालांकि कंपेयर तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी लोग ये कह रहे हैं कि ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करती शहनाज और वो अपने काम में बहुत माहिर हैं। इसी को लेकर अबू मलिक बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं इन दोनों कपल से और बहुत जल्द आपको इन दोनों का एक नया प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है। कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं आप इन दोनों के नए प्रोजेक्ट को देखने के लिए, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।